नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार शनि देव अपना आपा खोल बैठे हैं और उन्होंने अपनी सीमा लांग दी है। उन्होंने नंदी देव को बंदी बना दिया है और उनको लेके जा रहे हैं उसी कोठरी में जहां उन्होंने सूर्य देव और यम को भी रखा हुआ है। दूसरी तरफ हमने देखा कि वो गुरु शुक्राचार्य से भी फाइट करते हुए नजर आए, यानी कि महादेव के दोनों भक्तों से उनके विवाद हो चुका है। दरअसल शनिदेव एक लाइन बनाना चाहते हैं जिसमें वो सभी देवताओं असुरों और सबको एक कतार में एक समान रख सके। सूर्यदेव, यम और इंद्रदेव को तो उन्होंने रखा ही हुआ है, अब नंदीदेव को भी ले जा रहे हैं और शुक्राचार्य को भी काफी हद तक उन्होंने हरा ही दिया, घायल कर दिया। अब बात यह है कि शनिदेव के इस कृत्य से महादेव क्रोधित बहुत ज्यादा, और महादेव क्या शनिदेव को दंडित करने आएंगे? यदि वो आते हैं तो कहीं ना कहीं शनिदेव ने जो कहा था कि महादेव को यदि मुझसे मिलना है तो स्वयं उन्हें आना पड़ेगा। अच्छा, हमें लग भी रहा है कि इसके अलावा कोई मार के बच्चा भी तो नहीं है, क्योंकि सभी देव तो उनके सामने कमजोर पड़ जा रहे हैं। बड़े एक्साइटेड हैं हम, तो बिना ज्यादा कुछ बोले शुरू करते हैं एपिसोड 79 पार्ट 1। तुमने महादेव के दो भक्तों पे प्रहार किया है, अब उनके प्रकोप से तुम्हें स्वयं महादेव भी नहीं बचा पाएंगे। स्वयं महादेव भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि तुमने महादेव के धैर्य की सीमा तोड़ी है। नहीं बच पाओगे दोनों। शनि उत्तंडता की अंतिम सीमा का उल्लंघन भी कर चुका है। नारायण, अब समय आ गया है इसे दंड देने का। शांत महादेव, कुछ कठोर मत कर बैठिएगा। शनि आपका ही सृजन। सृजन हो या संतान, उचित मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं नारायण। छाया देने के लिए बोया गया वृक्ष यदि कांटे बरसाने लगे तो उसका नाश कर देना आवश्यक है। समझ गए। प्रचंड करू महादेव, वीरभद्र महारुद्र योद्धा, शनि को समझाने का कोई और मार्ग भी होगा? नहीं नारायण, अपने इस कुकृत्य के पश्चात शनि दर्शन नहीं दंड का भागी है। भाई, मां काली वाली तो ना थी। हाँ वीरभद्र, जाओ और शनि को इसी समय मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। और इस कार्य में जो विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास भी करे, नाश कर दो उसका। ऑर्डर, परमिशन, सब
राहु की खैर नहीं, अगर राहु आएंगे ही नहीं भाई। राहु की जो मंशा है या जिस प्रकार का उनका वो है, प्रकृति ने संकेत दे दिया। कुछ विध्वंसक होने वाला है देवऋषि। ये कंपन, ये नुनाद, जाना पहचाना सा महादेव रुष्ट है। नंदी के पराजय की सूचना उन तक पहुंच चुकी है, अब वो शनि को दंड देंगे। बधाई हो सूर्यदेव, शीघ्र ही हम मुक्त होने वाले। परंतु खेद है कि आप केवल अपने एक ही पुत्र के साथ घर लौटेंगे। मुझे शनि को रोकना होगा, समझाना होगा कि महादेव के प्रकोप के समक्ष ना आए। अच्छा अच्छा, ब्रह्मांड से अपने आप जोड़ रहे हैं। देख रहे हैं किसका संकेत हो रहा है। ये वो आ रहा है, शनि को दंड देने वाला आ रहा है। कौन आ रहा है पिताश्री? क्या स्वयं महादेव आ रहे? महादेव नहीं, उनकी परछाई, जिससे न तर्क किया जा सकता है न ही द्वंद। वो जिसका आगमन और प्रस्थान दोनों ही विनाशकारी है। सही बात, आगमन विनाशकारी है और प्रस्थान करते उसको विनाश करके जाए विध्वंस करके। परंतु आ कौन रहा है? वो जिसमें रुद्र का क्रोध है, जो अघोरी के भांति घोर है, वो जिसमें शिव के तीसरे नेत्र का कोप है, वीर भद्र आ रहा है। वीर भद्र, वीर भद्र, कि तुमने क्या किया शनि? अंततः महादेव क्रोधित हो ही गए। वीरभद्र का आना शिव के तीसरे नेत्र खुलने से कम नहीं है, अब केवल विनाश होगा, महानाश। वीरभद्र आकर शिव के भक्तों के अपमान का प्रतिकार लेंगे। यार प्रेजेंटेशन है भाई। अजब, अंततः शनि को उसके कर्मों का दंड मिलेगा। निराश ना होना मित्र, हम मिलकर सामना करेंगे। मैं तो कदम पीछे ही रहूं। मूर्ख हो रहा हूं, महामूर्ख, सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने केवल अपना ही नहीं, शनि का अंत भी निश्चित कर दिया है। इस वीर भद्र से इतना भय क्यों? जानना चाहते हो? पहले ये जानो कि वीर भद्र है कौन। ये बात है, वीर भद्र शिव की जटा से उत्पन्न एक सहस्त्र भुजाओं वाला महाबली
अपराजित महाविनाशी। नाश के लिए उसे प्रहार की आवश्यकता नहीं है, इसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। वो महाकाल की परछाई है, प्रलय का दूसरा नाम है। वो केवल मृत्यु है राहु, केवल मृत्यु। राहु की पेड़ की हवाइयां नहीं करो, मेरी बात मान लो शनि, मैं तुम्हारा हित चिंतक हूं। सारे देव को छोड़ दो पुत्र, और तुम भी कहीं दूर चले जाओ, अन्यथा अन्यथा वीरभद्र तुम्हारा वध कर देगा। पुत्र, मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। जी नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद नहीं थी यार सीरियल में ऐसा भी कुछ प्रकरण है। शनि, कहाँ मित्र? शनि, महादेव ने वीरभद्र को भेज दिया। ये तो हमने कल्पना ही नहीं की थी कि वीरभद्र जो कि इतने ज्यादा बलशाली, क्रोधित और मतलब आक्रामक स्वभाव के हैं, वो शनिदेव का सामने आएंगे और शनिदेव उनका किस प्रकार से प्रतिकार कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार का पूरा मंडल बन रखा है, शनिदेव पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि शनिदेव के पास अब कोई उद्देश्य शेष नहीं रह गया है उनके जीवन के, जिसे कहते हैं लालच के रूप में। माँ है नहीं उनकी, माताश्री जो छाया है वो पहले ही जा चुकी है, तो अब उनको ये एक साफ मार्ग दिखाई दे रहा है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। उनकी चेतना भी तो खो गई है, और चेतना राहु ने मार दी है जिस हिसाब से ये एपिसोड प्रेजेंट किया। मुझे अच्छा वो लग रहा था कि जो अग्नि के भीतर उनका स्वरूप दिखाया, मतलब क्लियर नहीं किया, लेकिन अग्नि के साथ एक परछाई साथ में चल रही है। अच्छा, देवों को देव महादेव में एक प्रकरण था वीरभद्र का, जो माता शक्ति होती हैं वो अपने आप को अग्नि स्नान करा लेती हैं और उसके बाद महादेव क्रोध में आते हैं और उसके बाद वो दक्ष का विनाश करते हैं, और उसमें तो बड़ा बेहतरीन प्रेजेंटेशन था। अब इस समय किस प्रकार का प्रेजेंटेशन होगा शनिदेव के समक्ष वीरभद्र का, क्योंकि कौन हारेगा ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। हाँ, इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।